हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत हो दोस्तों। इस समय रुहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की बड़ी खुशखबरी आ रही है। वी एड, एम एड, वी एल एड, बी पी एड, इसके साथ साथ एल एल बी, एल एल एम, इसके साथ साथ सभी सेमेस्टर कोर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज की आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो आगामी 22 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। और इन परीक्षाओं के लिए आपका जो समय है वो कम कर दिया गया है, और समय कम करने के साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जारी कर दिया है। कौन से कोर्स में कुल कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होंगे, आज की इस वीडियो में ऑफिशियल पूरा एग्जाम पैटर्न आपको लाइव देखने के लिए मिलने वाला। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको अपने एग्जाम पैटर्न डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आकर सबसे पहले सर्च कर लेना है सरकारी जॉब डॉट सी यू। स्पेलिंग आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसी स्पेलिंग को आपको लिखना है, सरकारी जॉब डॉट सी यू। इसे आपको गूगल में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको रुहिलखंड यूनिवर्सिटी की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आप इस वेबसाइट की ऐप को भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। रुहिलखंड यूनिवर्सिटी के साथ साथ सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो पल पल की अपडेट है, जो ऑनलाइन फॉर्म है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें हैं MJPRU के बारे में। तो MJPRU रिजल्ट अपडेट 2021, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आपके सामने कोई भी यहाँ पर ऐड आता है तो आप इसे क्लोज कर देंगे, या यहाँ से क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके आप इसे कट कर देंगे। उसके बाद रुहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलेंगी। और जो भी लेटेस्ट रिजल्ट आएंगे UGPG कोर्सेज के, वो भी लगातार यहीं पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। कहीं पर भी किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी यहां पर जोड़ है ज्वाइन हो सकते हैं क्लिकर पर क्लिक करके। इसके अलावा MJPRU के जितने भी रिजल्ट हैं, यहां क्लिकर पर क्लिक करके, ठीक है, यहां क्लिकर पर क्लिक करके MJPRU के जितने भी लेटेस्ट से लेटेस्ट रिजल्ट हैं वो आपको सबसे पहले यहां पर मिलेंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, ये बिल्कुल तुरंत मिलेगा आपको, हर रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो। इसके साथ साथ एग्ज़ाम स्कीम, एग्ज़ाम रिजल्ट, इसके साथ साथ जो इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, से यहाँ देख लीजिए MJPRU इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म, क्लिक हर पर क्लिक करके आप यहाँ से इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न। तो हम यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिखाएंगे डाउनलोड करके, कैसे आपको एग्ज़ाम पैटर्न डाउनलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सभी ऑफिशियल एग्ज़ाम स्कीम भी मिलेंगी, यहाँ क्लिकर पर क्लिक करके एग्ज़ाम स्कीम डाउनलोड कीजिए। फिलहाल यहाँ पर MJPRU का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आ चुका है, आप यहाँ क्लिकर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपको बताइएगा। 22 सितंबर से जितने भी कोर्सेज के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम पैटर्न आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ कोर्सेज का एग्ज़ाम पैटर्न ये है, जैसे कि BEd, BPed, इसके साथ साथ BSc कंप्यूटर साइंस, BBA, BCA, BSc ऑनर्स, BSc ऑनर्स, इसके साथ साथ जो अदर कोर्स हैं उसके लिए ये नीचे वाला आपको इमेज, इस पर क्लिक करना है। ये भी आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके साथ साथ MEd, BCom ऑनर्स, इसके साथ साथ जितने भी अदर कोर्स हैं, BSc होम साइंस, इसके अलावा MSc होम साइंस, ठीक है, MSc होम साइंस जनरल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ LLV और LLM, ठीक है, सभी कोर्सेज का यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न उपलब्ध है। आपको यहाँ से अपने कोर्स का ही एग्ज़ाम पैटर्न देखना है, जिसके आप मान लीजिए LLB 3 ईयर या 5 ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चंस यर कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, सभी क्वेश्चन बराबर मार्क्स के हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे। इसके अलावा जो अदर कोर्स हैं इसमें यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि BSc होम साइंस में अटैम्प्ट ऑल सेक्शन आज डायरेक्टेड, जैसे कि आपको निर्देश दिए गए उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन सेक्शन ए में BSc होम साइंस के स्टूडेंट्स ध्यान दें, सेक्शन ए में अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, सेक्शन ए में आपको केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे, 1 क्वेश्चन 17.5 अंक का होगा। इसी तरह से सेक्शन बी में आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे, इसमें आपका 1 क्वेश्चन 10 अंक का होगा। इसी तरह से सेक्शन सी में आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा, ठीक है। इसी तरह से अदर कोर्स में भी आप देख सकते होंगे MEd का यहाँ पर 2 बार है, तो MEd वाले स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 2 तरह से होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 2 बार दिया हुआ है। इसी तरह से VLED के स्टूडेंट्स को भी यहां पर बताया गया, वो भी यहां से चेक कर सकते हैं। और जो अदर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यहां ऊपर यहां पर आपको मिल जाएगा, तो इन्हें आपको डाउनलोड कर लेना है। यहां इस वेबसाइट पर आकर सभी भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ रुहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो यहाँ से प्राप्त करते रहना है। रिजल्ट जैसे कि आएगा वो भी आपको इसी वेबसाइट पर आसानी से मिलेगा, कहीं पर भी आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा BSc ऑनर्स, BBA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BPed, BEd, इसमें भी देख लीजिए, BEd वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बताया गया अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, तो सेक्शन ए में आपको कोई 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि 20 अंक का होगा। इसी तरह से सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होगा।
तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।